दोस्तों, अगर आपका भी खाता HDFC बैंक में है और आप HDFC बैंक में पैसे जमा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे दिनांक लिखा रहता है, तो लेफ्ट साइड में दिनांक आपको डाल लेना है। जैसे आज 08/08/2024 है, यानी पहले दिन डालेंगे, फिर महीना, फिर 2024 यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या डालनी होती है, जो आपकी बैंक की पासबुक में मिल जाएगी, आपको डाल लेना है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड नंबर और लोन अमाउंट नंबर, ये सब कुछ नहीं डालना होता है। नाम में आपको अपना नाम लिख देना है, कितने रुपए आप जमा कर रहे हैं टोटल यहाँ पे लिख देंगे। 10,000 रुपए जैसे मैं जमा कर रहा हूँ, 10,000 रुपए यहाँ लिख देंगे, 10,000 रुपए मात्र यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को जमाकर्ता का नाम लिखना है, जमाकर्ता का नाम आपको अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद सिग्नेचर जो आप अपने बैंक अकाउंट में किए हों वो सिग्नेचर यहाँ करना है, जमाकर्ता के हस्ताक्षर डिपॉजिटर सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। उसके बाद दाहिनी तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे आप सभी को अपना जो है डेट डालना है, जिस डेट को आप जा रहे हैं, जैसे 08/08/2024 मैंने डाल लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना अनिवार्य है, यानी मोबाइल नंबर आपको जरूर डालना है। तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल लीजिए, मोबाइल नंबर डालने के बाद अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या बैंक की पासबुक में मिल जाएगी, आपको खाता संख्या डाल लेना है। उसके बाद जो पैन नंबर, अगर 50,000 से अधिक जब आप पैसे जमा करते हैं तो पैन नंबर डालना होता है, नहीं तो कोई अनिवार्य नहीं, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाम आपको डालना है, नाम डाल लीजिए आपको अपना नाम। उसके बाद जो है यहाँ पे नाम डालने के बाद ये जो है क्रेडिट कार्ड लोन अमाउंट ये सब छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कितनी नोटें हैं आपके पास, जैसे 500 की मेरे पास 20 नोटें हैं तो 10,000 रुपये हो जाएंगे, तो 500 की 20 यहाँ पे मैंने कर दी। अगर 2,000 की नोटें हैं तो 2,000 पर, 200 की हैं तो 200, कितने नोटें हैं यहाँ पे संख्या आपको लिखना है, टोटल यहाँ लिख देना है। जैसे मेरे पास 500 की 20 नोटें हैं, टोटल 10,000 यहाँ लिख दिए। उसके बाद टोटल राशि 10,000, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10,000 रुपये मात्र, और यहाँ पे जमाकर्ता का नाम, तो यहाँ पे आशीष कुमार, और यहाँ पे मैंने अपने सिग्नेचर कर दिए। इतना आपको करना है, केवल इतना करना है, और आपका जो है फॉर्म भर के रेडी हो गया। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ अपने HDFC बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने वाला फॉर्म भरना सीख गए होंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।